दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। द केरला स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं, आपके सामने रखना चाहूंगा। इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जिस तरीके से एक तरफ हिंसा फैलते हुए दिखाई दे रही, उसका भी पूरी तरीके से उपाय ढूंढ लिया गया है इस फिल्म को लेकर, जहां पर इस फिल्म के आगे डिस्क्लेमर दिया जाएगा, जहां पर उस डिस्क्लेमर में ये बताया जाएगा कि ये फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। फिलहाल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अब इस फिल्म के आगे भी यही डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि काल्पनिक घटनाओं पर यह आधारित फिल्म है, जैसा कि ये न्यूज़ वेबसाइट में लिखा हुआ है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं लगातार आपको बता दूं कि कई वेबसाइट देख रहा था इस फिल्म को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसे देख रहा था, और हर जगह मैंने देखा कि अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो सबसे साफ भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ था। DY अगर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इनकी वेबसाइट में साफ तरीके से लिखा हुआ, फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को कहा है कि आप ये डिस्क्लेमर में दे दीजिएगा। इसके बाद अगर बात करूँ तो आप इसकी हेडलाइन पढ़िए, द केरला स्टोरी पर बैन हटा, लेकिन कोर्ट ने कहा काल्पनिक। सबसे पहले आपको बता दूं कि बंगाल में इसे बैन कर दिया गया था, ममता बनर्जी जी की सरकार ने इसे बैन कर दिया था। उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फिल्म बनाई गई है दर्शकों के लिए, दर्शक देखना चाहते हैं, तो आपने बैन क्यों लगा दिया, जबकि पूरे इंडिया में इस फिल्म पर बैन नहीं है। ऐसे में एक ही स्टेट ऐसा क्यों है जो बैन लगा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कई दलीलें दी गई, लेकिन उस पर ध्यान ना देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने को लेकर बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसे नहीं देखना है वो नहीं जाएगा देखने, उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन जिसे देखना है, जिन्हें ये फिल्म पसंद आ रही, उन्हें देखने दिया जाए। ये ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद तीसरी बड़ी बात मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, 32,000 का आंकड़ा ये फिल्म बताते हुए अपने टीजर में नज़र आ रही थी, या फिर उसे कहा जा सकता है ट्रेलर में नज़र आ रही थी, जहाँ पर बताया जा रहा था फिल्म निर्माताओं की तरफ से कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे कैसे चेंजेस आए वो आपके सामने मैंने रखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया काल्पनिक घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है, इसे डिस्क्लेमर में देना होगा। पहले ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ट्रू इवेंट पर बेस्ड है ये फिल्म। फिलहाल मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा, 3 पे ये आंकड़ा आ गया, 32,000 से 3 पे आया, क्योंकि लगातार विवाद देखने को मिल रहा था। डायरेक्टर के पास कोई प्रूफ नहीं था कि 32,000 लड़कियों को सच में केरल से अफगानिस्तान, सीरिया, यमन ले जाया गया है, वहाँ पर IS का टेररिस्ट बना दिया गया है, तो उन्होंने 3 का आंकड़ा पेश कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसे भी लेकर डिस्क्लेमर में बात कही गई है कि फिल्म मेकर्स को देना होगा कि 32,000 के आंकड़े की जो बात की गई उसे पूरी तरीके से जनता के सामने साफ रखना होगा कि फिल्म मेकर्स के पास ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है जहां पर वो ये नंबर को जस्टिफाई कर सके, यानी कि उनके पास प्रूफ नहीं है, और इसे बताना होगा डिस्क्लेमर में, इसे साफ करना होगा कि 32,000 का आंकड़ा जो बताया गया वो गलत आंकड़ा था। इसे लेकर कुछ भी डिस्क्लेमर वो दे सकते हैं, लेकिन इससे ही जुड़ा हुआ डिस्क्लेमर होगा, जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल अगर बात की जाए इस फिल्म की राजनीति को लेकर, तो राजनीति तो फुल ऑन देखने को मिली, हर एक पार्टी ने राजनीति की। कांग्रेस की अगर बात की जाएगी, BJP की बात की जाएगी, ये फिल्म दर्शकों के लिए कम, जनता के लिए कम, राजनीति के लिए ज़्यादा हो गई। जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगातार TRP इस फिल्म के नाम पे बटोरी, वहाँ पर BJP इस फिल्म को लेकर लगातार प्रमोशन करते हुए दिखाई दी। कई स्टेट में BJP की अगर बात की जाएगी, वहाँ पर टैक्स फ्री कर दी गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को लेकर जनता के सामने बात की। अब आप समझिएगा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी फिल्म को लेकर बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती। फिल्म की बात ही नहीं की, सीधा सीधा इसे कांग्रेस को ऊपर भी पलटते हुए दिखाई दिए, कांग्रेस को भी इस फिल्म में घसीटते हुए नजर आए, कांग्रेस के ऊपर लगातार प्रहार करते हुए दिखाई दिए। अब फिलहाल बात की जाएगी कई नेता, स्मृति ईरानी की बात की जाए, फिर अनुराग ठाकुर की बात की जाए, साथ ही साथ अमित शाह की बात की जाए, उन्होंने भी इंटरव्यू में इस फिल्म को लेकर बात की है। कई अगर बात की जाएगी BJP के नेता नजर आए इस फिल्म को लेकर बात करते हुए। फिलहाल अगर बात की जाएगी कांग्रेस की तरफ से भी कई नेता उतरे, जिन्होंने राय रखी कि यह फिल्म पूरी तरीके से द केरला स्टोरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये कुछ महिलाओं के कहानी पर बेस्ड है, ऐसा कहने की कोशिश की गई कांग्रेस के नेताओं के तरफ से। अगर कुछ ही आंकड़े तो उसे द केरला स्टोरी या फिर पूरे केरला को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उस आंकड़े से। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट की तरफ से अभी ये फिल्म देखी जानी है, कोर्ट में अभी ये फिल्म देखी जाएगी, उसके बाद जो आगे का मामला चलता हुआ इस फिल्म को लेकर दिखाई दे रहा है उस पर कोर्ट सुनवाई करेगी। दरअसल इस फिल्म को सर्टिफिकेट जो दिया गया है उसे लेकर भी विवाद छिड़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है, वकीलों की तरफ से दलीलें दी जा रही है कि इस फिल्म को देखने के बाद कई लोग एक रिलीजन के खिलाफ अपने मन में
नफरत पैदा कर रहे हैं लगातार एक रिलीजन के खिलाफ। आप शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक रिलीजन के खिलाफ लगातार हेट्रेड फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोवोकेशन लोगों के अंदर आ रहा है। ये फिल्म प्रोवोक कर रही है लोगों को। कई डायलॉग्स हैं इस फिल्म के, कई सीन्स हैं इस फिल्म के जो लगातार एक रिलीजन को लेकर दूसरे रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई दे रही है और उसे प्रवोक करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसे लेकर अभी सुनवाई होनी है कि सर्टिफिकेट कैसे मिल गया और सर्टिफिकेट पे अब सुप्रीम कोर्ट सहमति जताएगा या नहीं जताएगा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये फिल्म खुद देखेंगे, इस फिल्म में कौन से सीन है जो एक रिलीजन को लगातार दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़का रहे हैं, हिंसा देखने को मिल रही है, इसे हम खुद देखेंगे और अपने देखने के बाद इस पे फैसला लिया जाए। दोस्तों तो ये पूरी कहानी है द केरला स्टोरी की, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं, बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत होगा आज के लिए। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से इस फिल्म को देखते हैं, देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि कुछ लोग फिल्मों में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। हालांकि ये फिल्म लगातार एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से प्रमोट की गई, दूसरे राजनीतिक पार्टी की तरफ से लगातार इसका बायकॉट देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म पूरी तरीके से राजनीतिक फिल्म हो, अगर बात की जाएगी जनता के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है इस फिल्म को लेकर। साथ ही साथ निशुल्क का बटन है यहाँ पर, जिसे लाइक बटन कहा जाता है, उसे दबाना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।